तो दोस्तों आज मैं यहाँ पे आया हूँ वियाना बर्ड फार्म में। और मेरा ये बर्ड फार्म आपको तो पता ही है कि मैं कॉकटेल कॉर्नियल्स और लव बर्ड्स का ब्रीडिंग करवाता हूँ। तो जो नए नए परिंदे मैं लाता हूँ उनको मैं हमेशा बर्ड ब्रीडिंग से टैग करवा देता हूँ। तो क्या करता हूँ, मेरे पास ऐसे इस तरह का आपको दिख रहा होगा, इस तरह के छोटे छोटे कटरिंग्स है। इस कटरिंग में आप क्या कर सकते हो, इन कटरिंग्स को देखो, इन कटरिंग में मेरा जैसे जी सी ए है और सर्दी अभी आना, मैं आपको दिखाऊंगा इन डिटेल में, आपको दिख रहा होगा कि नहीं पता, ये छोटे छोटे कटरिंग्स है, ठीक है। तो अभी मैं हर एक बर्ड जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये सारे के सारे बर्ड जो है, बाकी सारे में लगा तो ऊपर से 8-10 बच्चा हुआ है। तो हर एक जो एग्जोटिक बर्ड मैं लाता हूँ उसको ब्रीडिंग करने के लिए, तो उनका मैं क्या करता हूँ, कटरिंग लगा देता हूँ। कटरिंग लगाने से बहुत सारे फायदा रहता है। पहला एक चीज़ है कीड़िंग, आप जब भी यूज़ करो तो उसके फायदे ये है कि आपको पता चल जाता है कि कौन सा बर्ड कौन सा है। हर एक बर्ड में अलग से नंबर लगता है, तो उस हिसाब से आपको अगर दिखाया जाए कि बर्ड कहाँ से ली गई है कटरिंग का, या फिर कोई भी मतलब मान लीजिए कि बर्ड कहाँ से आ रहा है, किसके फार्म से आ रहा है, बर्ड की कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, क्योंकि हम लोग डिपेंड पर जो बर्ड ब्रीडर्स होते हैं उनसे बर्ड जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि आपको बर्ड से ये पता चल जाता है बर्ड कहाँ से आ रहा है। दूसरा ये चीज़ है कि ये ब्रीडिंग में आपको बहुत मदद करेगा, क्योंकि मैं आपको पता है कि कॉलोनी में ज़्यादा ब्रीडिंग करता हूँ, अब इन लोगों को कभी कभी केजेस के अंदर ट्रांसफ़र करना होता है, क्योंकि बर्ड जब ज़्यादा हो जाता है तो केज में ब्रीडिंग करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो उस हिसाब से आप लोगों को क्या करना है कि रिंग्स बनाइए, कटरिंग बनाइए। उसमें क्या होता है, जो नंबर रहेगा उस नंबर को देख के आप कौन सा पेयर किसके साथ, मतलब कौन सा जोड़ा मेल फीमेल लगा हुआ है, उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तीसरा जो इसका फ़ायदा है कि कटरिंग का जो नंबर है, कोई भी बर्ड बीमार देखा, एक ही टाइप के बहुत सारे, जैसे लुपिनो एक ही टाइप के दिख रहे हैं, तो उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा बीमार है। और जो कटरिंग्स के नंबर है उसका एक लॉग बुक आप मेंटेन कीजिए, अभी तो मोबाइल से ही आ जाता है, फिर गूगल ड्राइव में उसको सेव कर दीजिए, तो आराम से आप उसको एडिट कर सकते हो। उसका क्लच साइज़ क्या होगा रिंग लगाने से, मतलब कौन सा ब्रीड इस साल ब्रीड कर रहा है, कितना क्लचेस दे रहा है, बाद में कितना क्लचेस देगा, उसका हिसाब आप लगा सकते हो। और डिजीज़ के ट्रीटमेंट में ये बहुत ज़्यादा काम आता है, क्योंकि आप बर्ड को आराम से आइडेंटिफाई करके उसको आइसोलेट भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन जो है बर्ड का रिंग, एक चीज़ है कि बर्ड का जो रिंग रहता है उसमें हम लोग जो नंबर डाल के रखते हैं उसमें क्या होता है कि हम लोगों का कभी कभी क्लचेस डिफरेंट टाइम में आते हैं, तो कौन से बर्ड का किस टाइम पे क्लच आया था ये तो आपको ऐसे नॉर्मली देख के नहीं पता चल जाएगा, लेकिन आप अगर उस नंबर को देख के एक लॉग बुक मेंटेन करो तो उसके क्लच के बारे में आपको पता चल जाता है। तो अंडों की अदला बदली करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको ये देने वाली है। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि बर्ड रिंग कैसे लगाया जाता है, और आपको आराम से इन चीज़ों का मतलब आपको जो फ़ायदे के बारे में है मैं वो आपको बताता चलूँगा। आप देखते रहे वीडियो को, आगे तक देखते रहिए। और बर्ड रिंग्स का जो बहुत फ़ायदा है, क्योंकि आप हमेशा बर्ड रिंग्स पहनाने के टाइम पर इस तरह के ग्लव्स का यूज़ कीजिए, क्योंकि ये लोग काटते जब बहुत ज़्यादा जोड़ों का काटते हैं, ठीक है, तो ताकि खून वून ना निकले उस हिसाब से। अभी रिंग्स बहुत तरह के आते हैं, जो राउंड रिंग है हम लोग क्या करते हैं, जो घर का पैदावार होता है उसको हम लोग राउंड रिंग पैदा दे देते थे, लेकिन जो बड़े बर्ड्स हैं उनको राउंड रिंग हम लोग क्लोज रिंग पहना नहीं सकते, क्योंकि कभी कभी कट्स आ जाते हैं या फिर उंगलियाँ टूट जाती है, तो इससे उन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इससे अच्छा है कि आप लोग कट रिंग ही इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। आप क्या कीजिए मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों मैंने ये बर्ड को यहाँ से पकड़ लिया है, अभी आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको उल्टा कर देना है, इसको सर को आराम से पकड़ के, ताकि उसका पैर निकला हुआ रह सके, बस इतना ही करना है। देखिए बर्ड इसके अंदर चला गया, अब इसका सिर्फ पैर निकालना है, इसका जो पैर है हम लोग इसका
फिर उसका पैर निकालेंगे, ठीक है। कोई भी एक पैर आप चेक कर लीजिए कि पहले से रिंग लगा हुआ ना हो, दोनों पैर को चेक कर लीजिए कि पहले से कोई भी रिंग इसके अंदर लगा हुआ ना हो, ठीक है। तो ये रहा, और ये वुलन है तो उसके बीच से हवा जाती है तो सफोकेशन की कोई चांसेस नहीं है, इसमें इसके अंदर कोई भी रिंग लगा हुआ नहीं है, ठीक है। ऐसा करके आपको क्या करना है, यहाँ से एक रिंग लेंगे, पैन घुसाओ, पैन और घुसाओ, ओके। फिर आपको क्या करना है, पैर है आप इसको थोड़ा सा बर्ड को थोड़ा सा और बाहर निकल दीजिए, ऐसे करके निकाला कीजिए। फिर उसके बाद वो जो आपका रिंग ले लिया आपने, मैंने यहाँ पे जो यूज़ किया हुआ ना कैटरिंग में, तो सारे के सारे कैटरिंग्स को बस ऐसे करके डाल दिया, अभी बर्ड हिलेगा भी नहीं और आप आराम से कैटरिंग को यहाँ से कैच कर सकते, कुछ नहीं होगा उसको, क्योंकि ये जो ग्लव है ये वुलन ग्लव है। आपको ध्यान रखना है कि रिंग लगाते वक्त एक प्लायर से बस रिंग को ऐसे पकड़ना है, बर्ड को आपको लग रहा होगा कि बर्ड को दिक्कत हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही है, ठीक है। आप बस रिंग को आराम से पकड़ के स्लाइड करके जहाँ से इसका पैर थोड़ा पतला है उसके बस रिंग को प्रेस कर देना, हो गया। अभी बर्ड को यहाँ से आपको रिलीज कर देंगे, ठीक है। बर्ड को ऐसा करके आप प्रेस से रिलीज कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से बर्ड की रिंग आप आराम से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ अभी टैग रिंग मैं कैसे लगाता हूँ, ठीक है। तो आपको ले लेना है ऐसा एक ग्लव, साथ में आपको दिखा होगा कि मैंने यहाँ पे टैग रिंग बना के रखा है। ये जो टैग रिंग है इसमें क्या लिखा हुआ है, GCA दैट इज गौरव चौधरी हरियाणा, और साथ में 009 ये वाला इस बर्ड का कोड होने वाला है। तो ऐसा कोडिंग करने से क्या होता है कि हम लोगों को आसानी होती है कि कौन से पेयर्स के साथ कौन सा पेयर लगा है, या फिर कभी भी अगर कोई भी डिजीज हो जाए तो कौन से पेयर को अलग करना है, हम लोगों को टैग देख के पता चल जाता है। तो दोस्तों ज़्यादा बातें ना करके इसको शुरू करते हैं पहले से। तो दोस्तों ये है ग्लव्स, इसको हम लोग आराम से यूज़ करेंगे। अभी फिर से मैं आपको एक तरीका दिखा देता हूँ रिंग पहनाने का, और रिंग का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है, मैं उनके बारे में भी बताऊँगा, ठीक है। तो आपको पता ही है रिंग का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि इसका रिंग कैसे लगवाने हैं और इनके सारे फ़ायदे, और कभी भी कटरिंग्स को निकालने की कोशिश मत कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कटरिंग्स को निकालने की कोशिश करते हैं और बर्ड के पैर को डैमेज कर देते हैं। दो आप, मैं जैसे अकेला करता हूँ ये काम तो मुझे बहुत दिक्कत होती है, तो मैं कभी भी कटरिंग्स को निकालता नहीं हूँ। आप अगर कटरिंग्स को निकालना है तो हमेशा दूसरे मतलब किसी इंसान का मदद लिया कीजिए, तो उससे आराम से कटरिंग्स निकाल जाते हैं, ठीक है। तो रिंग्स का ये जितना सारा फ़ायदा है मैंने आपको बता दिया, और ब्रीडिंग्स में ये बहुत ज़्यादा मदद भी करते हैं। इस तरह का कटरिंग्स आपको DNA पेपर्स के साथ भी मिलेगा, बर्ड का जो जन्म कुंडली है उसको भी आप आराम से, जेनेटिक पेपर्स जो है वेटाजेनिक्स का भी आता है, सॉरी इट्स नॉट अ प्रेड प्रमोशन ना, तो सारे के सारे बर्ड्स में आप लगा सकते हो। बजी इसके लिए रिंग छोटा आता है, इसके लिए लगभग 4 mm 6 mm का जो रिंग आता है वो वाला आता है, इसके ऊपर आप मैकाओ तक जा सकते हो रिंग लगाने का, ठीक है। तो इतने तक बने रहिए, अगले वीडियो के लिए ज़रूर इंतज़ार कीजिए, और चैनल को शेयर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट, कीप बर्डिंग, कीप हैप्पी। Thank you.
घर में नहीं है तो इसको मैं छोड़ने वाला हूँ अभी। बर्ड को आप जब छोड़ा कीजिए तो आराम से कीजिए, क्योंकि बर्ड को जो पकड़ने का तरीका है वो क्या करना है, उसके लिए इतना लंबा वाला जाल भी लेना है और साथ में उसका होल भी बड़ा होना चाहिए, ठीक है। इस तरह का तो कैलकटा में आसानी से मिल जाता है, हम लोगों को आपको भी मिल जाएगा। तो इस तरह की जाल चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ बर्ड कैसे कैच करना है ताकि बर्ड को चोट ना लगे। आपको उसकी तरफ नहीं देखना है, बस आराम से बर्ड को फॉलो अप कीजिए किस साइड में जा रहा है। फिर दूसरे साइड से आप उसके जोड़ों का झपट्टा उसके ऊपर नहीं मारना है, बस आपको आराम से जो बर्ड है उसके ऊपर ऐसा करके रख देना है, बस नेक को ऐसे रख देना है, उसके बर्ड इसके अंदर चला गया तो आप आराम से अब इसको यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ बर्ड ऐसा करेगा, ऐसा नहीं करना है आपको, सिर्फ इसको कहीं पे रख देना है तो वो धीरे 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 क्या होता है कि वो सेटल हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह का नेट आएगा जो इसका होल जो है वो बहुत बड़ा होगा और साथ में ये लंबा रहेगा ताकि बर्ड गिरते ही इसके अंदर गिर जाए, ठीक। ये जो है ना इस तरह का बर्ड करता रहेगा, क्योंकि जो ये जो बर्ड है उसमें अभी जो रिंग लगा हुआ है तो इसको ऐसे इसको थोड़ी देर के लिए दिक्कत होगी। देखो इसके बराबर में रिंग लगा हुआ है, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा दिक्कत होगा एक दो दिन, क्योंकि हम लोग जैसा अंगूठी पहनते हैं ना उसी तरह का इन लोगों का भी प्रॉब्लम होता होगा, है ना। तो उस हिसाब से आप लोग आराम से बर्डलिंग लगाओ और टैगिंग करके रखो अपने बर्ड्स को, तो खो भी जाता है चोरी भी हो जाता है तो आपको मिल जाता है ये, ठीक है। और बर्ड के दो दिन के बाद एक दो दिन के बाद वो हैबिचुएटेड हो जाता है उस रिंग के साथ। दिस इज माई पाइन एपल कॉर्नियो, आपको दिख रहा होगा। यहाँ तक कि आपको ये भी दिख रहा होगा कि ये जो कटरिंग मैंने बनाया हुआ है ये सारे के सारे कटरिंग बहुत ये हेवी ड्यूटी कटरिंग्स है, तो मैं ये कहीं से ख़रीदता नहीं हूँ। मैं क्या करता हूँ इनको एक बंदे से बनवाता हूँ, मैं उनका लिंक और डिस्क्रिप्शन आपको भेज दूँगा। वो ऑल ओवर इंडिया यहाँ तक कि ऑल ओवर वर्ल्ड ही वो सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के कटरिंग्स लीजिए, इसके वजह से आपको मैं दिखाता हूँ, आप लोगों को आइडेंटिफाई करने की भी बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। आपको दिख रहा होगा इसके पैर में भी स्ट्रिंग लगा हुआ है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि कौन से घर से, मतलब कौन से ब्रीडर के पास से ये वाला कॉर्नियो मेरे पास आया हुआ है। ये एक ग्रीन चिक कॉर्नियो है, ठीक है। तो पीछे तो घूम रही है, आप देख सकते हो मेरे हर एक बर्ड्स में इस तरह का कटरिंग लगा हुआ है। ये सिर्फ मैं ब्रीडिंग पेयर्स के लिए ही करता हूँ, ज़्यादातर जो क्लोजिंग है मैं क्लोजिंग हमेशा अपने बच्चों को, जो नए बच्चे आते हैं उनको पहनाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को शेयर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत सारे अभी खेलना चालू हो गए खेल, ठीक है।